यकीन नहीं करेंगे, मेरे को 28 साल हो गया धंधा करते हुए। यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग मेरे भाई साहब ने किया था, गुरु मेरा सब कुछ वही है, मेरा भाई था। इस वड़ा पाव यू आर गेटिंग ओवर देयर ना, ये पाव का स्वाद सेम है। लहसुन की चटनी जो है ना, टेस्ट इनहेंस कर रही है जी पाव भाजी का। तो ये जी भोलेनाथ पाव भाजी राकेश पंडित सांगा नेर वाले, क्या बात है। कैसे रहती है अंकल प्लेट पाव भाजी? अबूल को तो 100 रुपए। ओके, पाव चार पाव रहते हैं, चार पीस। ओके, तो मूल बटर में जी अगर आप खाएंगे पाव भाजी तो यहाँ पे आपको मिलेगी 100 रुपए की, क्योंकि मूल बटर का ही स्वाद आता है ना मेन। वी आर कमिंग हियर फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स एंड दिस इज द बेस्ट पाव भाजी आई हैव एवर एट इन द होल इंडिया। आई एम फ्रॉम बॉम्बे, माय नेम इज अमरीश। वेरी गुड, वेरी टेस्टी एंड रीजनेबल। जी राकेश पंडित सांगानेर वाले जिनकी पाव भाजी की तारीफ अंकल जी ने की है ना, क्या बात। यकीन नहीं करेंगे, मेरे को 28 साल हो गया धंधा करते हुए। जब आशा कृषि शुरुआत है मेरी, यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग मेरे भाई साहब ने किया था, मेरा गुरु मेरा सब कुछ वही है, मेरा भाई था। कॉमर्शियल पाव है इसको, जैसे बॉम्बे में लादी पाव चलता है वैसे ही ये लादी पाव है। ये जो है ये मेरा पिछले जब से मैंने अपना काम शुरू किया है, एक सानी बेकरी है राजा पार्क के अंदर, सिंधी कॉलोनी के अंदर, मैं उसी से पाव लेता हूँ, उसके अलावा किसी से आज तक ट्राई नहीं किया। भाजी के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, जैसे इसमें भाजी है, भाजी का मतलब क्वालिटी का भी मैं ध्यान रखता हूँ, जैसे पत्ता गोभी है, शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची, गाजर, लहसुन, अदरक, प्याज, गाजर, हरी मटर, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जो है। बिल्कुल, वो तो हर किसी का रहता है सर, मेरा भी है। 28 कितने बजे आ जाते हैं शाम को? मेरा टाइम जो है वैसे तो खुलने के लिए तो सुबह से खुल जाता है, लेकिन मेरा टाइम जो है शाम को 5 बजे से। आई एम फ्रॉम बॉम्बे, इस वड़ा पाव यू आर गेटिंग ओवर देयर ना, ये पाव का स्वाद सेम है, नहीं तो वो यहाँ के स्पंजी पाव मिलते हैं फूले हुए, लेकिन ये पाव वही पाव है जो बॉम्बे में मिलते हैं, इसलिए टेस्ट बेटर है। ये आपको बताना चाहिए, ये भी मैंने अभी देखा, इनको भी अभी देखा है यहाँ पे। नहीं जब गोवे ने वो रिकॉर्ड करा। हाँ मैं 3 दिन काम किए, इनसे सर्टिफिकेट से मिला हुआ है। अब अपनी लगेगी जी प्लेट यहाँ पे और पाव भाजी खाएंगे। अच्छा ये लहसुन वाली चटनी रहती होगी ना? मुझे ऐसा मीडियम 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 रखिएगा, मीडियम मसाला। हाँ मैं एक चीज आपको दिखा रहा था जी, इनको देखिए सर्टिफिकेट वगैरह बने हुए हैं, जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा ना अपना प्रगति मैदान के अंदर जो अपना सोल्स वगैरह खाने की लगती हैं, तो ये वहां पे भी गए थे और बड़े इनको जैसे देखिए कितने सर्टिफिकेट्स वगैरह इनके लगे हुए हैं पाव भाजी के, कहाँ कहाँ से इनको सर्टिफिकेट मिले, जैसे वर्ल्ड फूड इंडिया हो गया। तो ये आ गई जी अपनी पाव भाजी, अब मूल बटर के साथ, राइट। और ये आ गए हैं प्याज, और ये जो चटनी इसको कहा जाता है जी यहाँ पे, इसको लहसुन की चटनी के साथ खाया जाता है पाव। मैंने एक्चुअली आते इसके साथ 4 है, लेकिन मैंने 2 ही लिए हैं बिकॉज इतने अपने पास से खाए नहीं जाएंगे, तो चलिए फिर टेस्ट करते हैं जी।
पहली बाइट फर्स्ट बाइट अरे तो नहीं खा लूं तेरी मम्मी ना पड़ी है तेरी लास्ट ना तेरी मम्मी ना पड़ी है तेरी नस लगी कहते हैं ना पाव भाजी के अंदर जब तक अमूल बटर ना लगाओ तब तक उसे स्वाद नहीं आता। बात तो है थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे जी इसमें। इनके पाव की बात करूँ ना बड़े सॉफ्ट पाव हैं है ना देखने से भी पता चल रहा है और जैसे ही आप इसको टच करोगे तो आपको पाव की क्वालिटी का भी पता चलेगा। क्या बात ऐसी पाव भाजी मैंने सदियों के बाद खाई है। अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं तो ऐसी पाव भाजी मैंने खाई थी जिसका टेस्ट मेरे को आ रहा है ना मैंने खाई थी पटियाला में अंदर एक मार्केट है पटियाला के अंदर मतलब एक चौक के ऊपर मार्केट बनी हुई है वहाँ पे बॉम्बे पाव भाजी वाला है तो वहाँ का टेस्ट और यहाँ का टेस्ट अजवाब। अब इसको ट्राई करते हैं जी लहसुन की चटनी के साथ। लहसुन की चटनी थोड़ी तीखी होती है जी उसमें पहले थोड़ी सी लगा के देखेंगे। लहसुन की चटनी जो है ना ये टेस्ट इनहेंस कर रही है जी पाव भाजी का। क्या बात है चटनी स्वाद है यार। तो चलिए जी ये निपटाते हैं जल्दी जल्दी से खाते हैं क्योंकि एक्चुअली मैं अपने हॉस्टल से काफ़ी दूर आया हूँ कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे जवाहर सर्कल से तो मैंने जाना भी है। इसको एंजॉय करते हैं इसको फिनिश करते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारी जयपुर की सीरीज आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं फिर मिलते हैं जयपुर के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।